चेकआउट कर लिया है, जाऊंगा मॉन्टेनेग्रो, पर उसके पहले मुझे बाल कटाने हैं। ओके, वेलकम टू एन इंटरेस्टिंग ट्रैवल वीडियो, जहां पे मैं कटाता हूं अपने बाल अल्बेनिया में और फिर निकल पड़ता हूं मैं नेक्स्ट कंट्री मॉन्टेनेग्रो के लिए। मॉन्टेनेग्रो में कहां? उसके कैपिटल पोडगोरिट्सा। जी हाँ, मुझे पता कि आपने ये नाम पहली बार सुना है, मैंने भी ये नाम हाल ही में सुना था। पर पोडगोरिट्सा जाने के लिए सभी ने मुझे मना किया था क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बोरिंग सिटी इन यूरोप। सैटरडे नाइट को इतना खाली नहीं मिलने मैंने पहली बार देखा, बट मुझे तो कैपिटल जाना ही था, कोई भी कंट्री चाहे उसका कैपिटल जाना बनता है। तो बहुत सारे बसेस चेंज करने के बाद, बहुत सारे शॉर्टकट या फिर लॉन्ग कट लेने के बाद, सस्ते में मैं पहुँच गया इस मोस्ट बोरिंग सिटी ऑफ यूरोप। वेल, मेरे साथ आप भी बोर होके ये वीडियो देख लो एंड तक। लेट मी शो यू डिफरेंट यूरोप विच इज फेमस फॉर इट्स फूड, ड्रिंक्स, कैसल्स, सी, एज वेल एज इट्स रीसेंट वॉर हिस्ट्री विच मेक देम सेपरेटेड फ्रॉम ए सिंगल कंट्री, फ्रॉम यूगोस्लोविया टू सर्बिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बेनिया, बोस्निया, मॉन्टेनेग्रो, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया। दिस आर द अमेजिंग कंट्रीज ऑफ द बाल्कन्स एंड लेट्स एक्सप्लोर देम विद एक्सप्लोरर राजा। दिस वीडियो इज फ्रॉम 2019, तो यहाँ पे मत बोलना कमेंट में कि भाई मास्क भी नहीं पहना, ये कि कोविड फ्री कंट्री है। ये फिलहाल 2020 या 21 का वीडियो नहीं है, 2019 का वीडियो है। एंड 2020 या फिर 21 के लिए गुड न्यूज़ कि आप अल्बेनिया आ सकते हो विदाउट एनी वीज़ा। जी हाँ, आप यूरोप में इस कंट्री में भी आ सकते हो बिना किसी वीज़ा पे, ये सिर्फ 2021 तक ही वैलिड है। तो बैग पैक करके आ जाओ मेरे से देखने के बाद। बाल काट लिए मैंने और छोटे कर लिए क्योंकि मुझे बड़े बाल पसंद नहीं है। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये सिंबल होता है एक्चुअली बारबर शॉप का, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में उतना नहीं यूज़ होता है। और ये करने को मुझे पड़ा कटिंग विथ वॉश 400 लेक, यानी कि 370 रुपये। इंडिया में मैंने हाइस्ट कटाए थे कभी 70 रुपये का, वो मेरा मैक्स है, उतना सस्ता पड़ता है मेरे को। वॉश नहीं मिलता है, और मैंने पहले भी बाहर कटाया था फिलीपींस में सिबू सिटी में 120 रुपये देखे और आज 270, मेरा अब तक का सबसे एक्सपेंसिव हेयर कट। चलो ठीक है, यूरोप में तो यही सस्ता है। तो फिर से हम लोग झोला उठा कर निकल पड़े हैं अगले देश की ओर। 21 कंट्री कम्प्लीट हो चुका है, अभी जा रहे हैं 22वीं कंट्री पर, और तिराना से डायरेक्ट मॉन्टेनेग्रो कैपिटल, मॉन्टेनेग्रो कैपिटल बहुत कन्फ्यूजिंग है, डायरेक्ट बस है और हम लोग डायरेक्ट नहीं जाएंगे, जर्नी चेंज करके जाएंगे ताकि थोड़ा सस्ता भी पड़े और अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो। और तो अभी हम लोग पहले जा रहे हैं स्कॉटगढ़, क्योंकि नॉर्थ में एक सिटी है, वहाँ से बस चेंज करके जाएंगे पोस्टम, जो कि है मॉन्टेनेग्रो की कैपिटल। बस टिकट शायद 300 दिनार की होगी, पता नहीं। लेक तो बड़े सर्कुलर से साउथ आने के बाद आपको मिल जाएगा बस स्टेशन और नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट, शायद जैसा कुछ नाम था। और जब बस निकल रहे हैं, मेरे को मेरा स्कॉटर वाला पकड़ना है। तो ये वाली बस है स्कॉटर के लिए, बोल रहे 400, कल मेरे दोस्त लोग ने कहा था 300 पे, पर ठीक है। स्कॉटर पहुंच गया था 2 घंटे पहले ही, आने के लिए लगे सिर्फ 1.5 घंटा। और उस रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, राइस और 70 लेक, मतलब कुछ 50 रुपये में। अभी बस का थोड़ा झोल हो चुका है, क्या झोल हुआ है, तो स्कोड्रा से जो कैपिटल है मॉन्टेनेग्रो का, उसका डायरेक्ट बस रात के 9 बजे है, तो मुझे उतना देर वेट नहीं करना है। तो मैं जा रहा हूँ उची, जो कि एक पॉपुलर सिटी है, और वहाँ से फिर से बस लेकर जाऊँगा मैं पोडगोरिट्सा में, जो कि कैपिटल है, क्योंकि मुझे कैपिटल में एक रात रहना है, पर कोई कैपिटल जाता नहीं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप रुक सकते हैं स्कोड्रा में एक रात। यहाँ पे है
एक कैसल जो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल कैसल जैसे ही है, और एक बड़ा लेक जहाँ पर बोट ट्रिप कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। मैं नहीं करने वाला अभी, मैं बस पकड़ के जाने वाला हूँ मेरी नेक्स्ट कंट्री, कंट्री नंबर 22, मॉन्टीनेग्रो। तो दिन का दूसरा ट्रांसपोर्ट लेके हम लोग अभी क्रॉस करने वाले बॉर्डर, यह होगी मेरे बालकन्स की आई थिंक फोर्थ बॉर्डर क्रॉसिंग। एंड बालकन बॉर्डर क्रॉसिंग आर प्रीटी चिल, मतलब बहुत ही आसान है, यहाँ पे उतना कुछ पूछते नहीं है। एंड इफ़ यू हैव ए वैलिड शंगन वीज़ा और US वीज़ा तो कुछ नहीं देखते यहाँ पे, ना रिटर्न टिकट्स ना होटल बुकिंग। बस में एक बंदा आता है, अपना पासपोर्ट लेके चला जाता है, फिर स्टैम्प करके वापस दे देता है। इट्स दैट सिंपल क्रॉसिंग बॉर्डर्स इन बालकन्स। बट हाँ, मॉन्टीनेग्रो इज़ नॉट वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस, तो आपको कंडीशंस तो फुलफिल करने ही पड़ेंगे। और अभी हम लोग को बस से उतार के कुत्ते लेके पूरे बस को सर्च किया गया था इन सर्च ऑफ एनी ड्रग्स और एनी अदर इलीगल आइटम। तो बॉर्डर क्रॉस कर लिया और एक भी स्टैंप नहीं लगा इस बार, पूरे बालकन्स में एक भी कंट्री ने स्टैंप नहीं दिया मेरे को, मेरे को किसी को नहीं देता है। मन हो रहा था स्टैंप लेने, चलो ठीक है बाद में मिल जाएंगे। पहुंच गए उचीन, अभी प्रोग्रेस का टिकट लेना है। तो साथ ही में मिल गया टिकट बहुत बड़ी साथ ही, ये रही अब 5 मिनट में जाने वाली है ट्रेन बस। मैक्सिमम जो ट्रैवलर्स होते हैं जो बालकन ट्रैवल करते हैं वो उचिन में ही रुक जाता है, कोई पोर्तुगुरिसा नहीं जाता है, बिकॉज पोर्तुगुरिसा इज वन ऑफ द मोस्ट अगलीस्ट सिटी इन यूरोप, एक्चुअली अगलीस्ट कैपिटल सिटी इन यूरोप। बट यहाँ पे बालकन्स में जो रास्ते हैं वो वाकई में अनएक्सप्लोर्ड एंड बहुत खूबसूरत है। यहाँ का लैंडस्केप देखने लायक है, मतलब आप बस में सोओगे तो आप कुछ ना कुछ तो मिस कर दोगे इसका व्यू। एंड इसका जो कोस्टल एरिया है मॉन्टीनेग्रो का, दैट इज मच ब्यूटीफुल दैन इनसाइड, तो आपको अपकमिंग वीडियोस में देखोगे। फिलहाल इस रास्ते में देखो, हम लोग पोर्तुगुसा जाने वाले थे एंड पोर्तुगुसा घुसने से पहले ये जो लेक का व्यू है, वाओ मैजिकल। आ चुके हैं अपने 22वें कंट्री के कैपिटल में पोर्तुगुड़ी का। अभी बजे 7:20 और मेरा हॉस्टल है यहाँ से 1.4 किलोमीटर्स दूर, तो हार्डली 20 मिनट लगेंगे मुझे पहुँचने के लिए। तो तब तक आप लोगों को बताता हूँ, नो थैंक्स टैक्सी पूछते हैं, तब तक आप लोगों को बताता हूँ। सेम हिसाब है, शंगन वीज़ा, US वीज़ा या फिर UK वीज़ा रहने से मल्टीपल आप आ सकते हैं मॉन्टीनेग्रो 15 दिन के लिए, और कोई स्टैंप नहीं लगा, कुछ नहीं मांगता। अगर आप रोड से बॉर्डर क्रॉस करो, इंश्योरेंस या फिर फॉरवर्ड टिकट कुछ नहीं, क्योंकि सबको पता है कि हर कोई बालकन्स बाई रोड करता है, वेरी इजी। और यहाँ पे यूरो यूज़ होता है तो करेंसी एक्सचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट यूरो यूज़ होता है तो थोड़ा महंगा है कंपेयर टू नॉन यूरो कंट्रीज़। वेल देखा जाएगा कितना महंगा है, फिलहाल मेरे सारे यूरो ख़त्म हो चुके, सिर्फ 50 यूरो बाकी है, विड्रॉल करना पड़ेगा। तो हॉस्टल में चेकिंग कर लिया है, हॉस्टल का रेंट है 6.9 यूरो, यानी कि 550 रुपये, और अभी बज रहे 8:30। कुछ खास है नहीं इसलिए मैं अभी पता नहीं क्या करना है, अभी तो थोड़ा ऐसे ठहलना है, फिर डिनर करके सो जाना है, और कल एक्सप्लोर करने के बाद वापस जाना है बीच रिवर यहाँ पे। जो स्टार हॉस्टल में रुका हूँ, अच्छी बात यह है कि एकदम सिटी के सेंटर है, और ये जो मेरे को लग रहा है कि सारे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शंस हैं। आज सैटरडे नाइट और पता नहीं सैटरडे नाइट को इतना खाली खाली क्यों है। बाय द वे,
ये एकमात्र कैपिटल मिला मुझे बालकांस में जहाँ पे सारे न्यू बिल्डिंग्स हैं। कुछ भी ओल्ड या फिर कल्चर नहीं है यहाँ पे, सारे ऑलमोस्ट नए नए हैं। और ये लगता है कुछ स्क्वायर टाइप का है। तो ये एक्चुअली है यहाँ का इंडिपेंडेंस स्क्वायर। तो सैटरडे नाइट को इतना खाली इंडिपेंडेंस स्क्वायर मैंने पहली बार देखा। और बाकी का ढूंढते हैं सिटी में कुछ अच्छा है कि नहीं। कुछ नहीं मिला तो मेरा फेवरेट पॉपकॉर्न 25 रुपए में। गुड मॉर्निंग। तो ये मेरा हॉस्टल। टेबल है, चेयर है और ये बालकनी विद व्यू from my 22nd country, Montenegro. अभी चेकआउट करना है। सिटी में एक आदमी नहीं है यार। संडे है पर इतना खाली सिटी, वाह। अभी चेकआउट करना है और फिर जाना है नेक्स्ट सिटी। तो चेकआउट कर लिया है हॉस्टल से फ्रॉम पॉडगोरेटा। हाँ, हॉस्टल्स बहुत अच्छे थे। और अभी छोड़ कर जाने वाले हैं सबसे अजीब और छोटा कैपिटल अब तक का मेरा। ये मेरा 22वीं कंट्री है और इसका पॉपुलेशन है अराउंड 180,000 ओनली। उसलिए देखो ना, कैपिटल के सिटी सेंटर में हूँ पर हार्डली 5-6 आदमी दिख रहे हैं मेरे को। नहीं, अभी जा रहे हैं बुधवा जो कि है बीच सिटी। वहाँ पे बहुत लोग मिलेंगे और बहुत अच्छे मस्ती होंगे। बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि पोदगोरिसा में एक कैसल है थोड़ा दूर, वो आप देख सकते हैं अगर आपको पोदगोरिसा में कुछ करने के लिए करना हो तो। बट क्योंकि मैं जा रहा था बुधवा और फिर कुटोर जो कि वंडरफुल सिटीज इन मॉन्टीनेग्रो, तो ये मैंने स्किप कर दिया। 40 रुपये में इतना आइसक्रीम इंडिया में भी देता है। इंडिया में सॉफ्टी मिलता है 20 रुपये की, उसे ऊपर भरता है। मेरा पूरा भर चुका है, पूरा भीग रहा है। This is time, platform 5, company Aliado. Thank you. 6.5 euro ka ticket. बहुत ही खूबसूरत नजारा है। इन व्यूज़ के साथ हमें कंप्यूटर स्क्रीन को भी व्यू करना पड़ता है क्योंकि हमें करना पड़ता है एडिट ऑन द गो। तो लाइफ ऑफ ए ट्रैवल व्लॉगर इज़ नॉट दैट इजी एंड नॉट दैट फन एज इट लुक्स फ्रॉम योर स्क्रीन, क्योंकि हमें वीडियो शूट करना पड़ता है, हम लोग को एडिट करना पड़ता है, अपलोड करके दिखाना पड़ता है। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग टू यू गाइस, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस कि ट्रैवल एंड वर्क एक साथ थोड़ा मुश्किल होता है। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स टोटली वर्थ इट फॉर दिस अमेजिंग व्यूज वी गेट एंड ऑल्सो द व्यूज वी गेट इन आवर वीडियो। तो वीडियोस को शेयर करो ताकि ज़्यादा व्यू मिले और मैं ऐसे ही अनएक्सप्लोर्ड यूनिक कंट्रीज दिखा पाओ आप लोगों को थ्रू माय यूट्यूब चैनल। तो शेयर कर देना वीडियोस। तो ब्रो दोस्ती मतलब वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बुधवा। मेरे को बुधवा के बारे में पता ही नहीं था
मैं जिन लोगों से हॉस्टल में मिला वो लोगों को बताया कि बुधवार जाना चाहिए, तो मैं बुधवार का प्लान सिर्फ 3 दिन पहले बना और अभी आप लोगों ने शॉर्ट्स देखे ऊपर से, कांट वेट टू हिट द बीच और आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस मेडिटेरियन बीच सिटी मॉन्टीनेग्रो में बुधवार तो आना ही चाहिए। अभी 1.5 घंटे में पहुँच गए, फटाफट हॉस्टल जाना है, हॉस्टल से यहाँ से 400 मीटर दूर है, थोड़ा महंगा है पर उतना ही महंगा नहीं है। चलो हॉस्टल मोंटी पिज़्ज़ा, नया हॉस्टल रूम, यहाँ पे बालकनी व्यू और ये रूम पड़ा मुझे 8 यूरो प्लस 1 यूरो टैक्स, मतलब 9 यूरो महंगा है थोड़ा। तो चलो चलते हैं बीच पे, किसी एक्सप्लोर करते हैं। आई एम ऑल सेट, लेट्स गो।